कमर कसले, तेरे बस में है सारे मसले, तेरे टूटे हुए दिल की जमीनों पे हिम्मत की उगाए फसले, तेरे हाथों में गरम है तेरा और खून गरम है तेरा, कोई तीर निशाने से चूके ना, जम के कदम रख ले, खुद में तू हथियार है, लड़ने को तैयार है, टंके की एक चोट के जैसा हर तेरा बार है, मंजिल तुझ पे है फिदा, तेरा हाफिज है खुदा, कुछ ऐसा कर जाके वो भी तुझसे पूछे बंदे बतला दे, तेरी मर्जी है क्या, मैरी कॉम, लवलीना, विजेंद्र सिंह, ऐसे कई नाम आपने सुने होंगे बॉक्सिंग में जो काफ़ी फेमस हो गए हैं, लेकिन कई ऐसे नाम अभी भी हैं जो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से या फिर कई ऐसी परेशानियों से जूझते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं लोग। आज हम एक ऐसी एकेडमी में आ गए हैं, JSB बॉक्सिंग एकेडमी में आज हम आ गए हैं, जहाँ पर बॉक्सिंग सिखाई जाती है और बिल्कुल फ्री। तो आज हम यहाँ के जो संस्थापक हैं, जो ये बॉक्सिंग एकेडमी चला रहे हैं एकदम फ्री में, बच्चों को यहाँ पे बॉक्सिंग सिखाते हैं और बच्चों को करेज देते हैं कि उस लेवल तक जाएं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाएं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रमोद कुमार जी से, जो कि इस पूरी एकेडमी का संचालन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका हमारे चैनल में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहें किस तरीके से आप ट्रेनिंग देते हैं, आपका आपका क्या परिचय है, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं? ये देखिए, जब मैंने प्रैक्टिस करी थी, मैं IG स्टेडियम में हरियाणा में प्रैक्टिस कर चुका हूँ, इंडिया कैंप में मैं रह चुका हूँ, नेशनल में मेरे मेडल हैं। तो उन जो वो दिन थे वो बहुत बुरे दिन थे मेरे, क्योंकि मैंने बहुत संघर्ष किया उन दिनों में, क्योंकि पैसा नहीं था। इस जो बॉक्सिंग है इसमें पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, डाइट की बहुत ज़रूरत है, अगर आप डाइट नहीं खाओगे तो बॉक्सिंग नहीं कर पाओगे। इक्विपमेंट हमें स्टेडियम से मिल जाते थे, वहाँ के कोच बहुत बढ़िया थे जिन्हें हमें प्रैक्टिस कराई। तो कुछ दिनों के बाद ये बॉक्सिंग से, सन 2014 में मैंने बॉक्सिंग से किनारा कर लिया। फिर उसके बाद हमारे प्रमोद सर आए और उन्होंने बोला, यार अच्छे खिलाड़ी हो, घर नहीं बैठना है तुम्हें, जो तुमने संघर्ष अपनी ज़िंदगी में करा है उसे ऐसे ही नहीं जाने देना है, एक एकेडमी खोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और वहाँ से बच्चे निकालने का काम करो। तो मैंने यही चीज़ सोची का जो मैंने किया है जी। जो धक्के मैंने खाए हैं और कोई बच्चा ना खाए, इसलिए मैंने GSB के नाम से एकेडमी खोली गाँव सादापुर में जी। और शुरुआत में यहाँ से जब बच्चे आए, पहले तो मेरे पास लड़के आए, फिर लड़कियाँ ने भी रुचि दिखाई इस गेम में, और आस्ते आस्ते ये गेम बढ़ता चला गया यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रामीण एरिया है सारा, ग्रामीण एरिया में बॉक्सिंग को निकालना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने वही चीज़ सोची का जो मैं स्टेडियमों में जाता था, हरियाणा जाता था, ट्रायल देता था, वो इन बच्चों को परेशानी ना सहनी पड़े, इनको सारी फैसिलिटी देने के लिए मैंने ये अकेडमी खोली। और आस्ते आस्ते यहाँ फैसिलिटी भी आ रही है और बच्चे भी यहाँ से निकल रहे हैं जी, बिल्कुल। और जैसा आप बता रहे हैं कि संघर्ष बहुत रहता है इसमें, आसपास के ग्रामीण बच्चों को इसके लिए जागरूक करना बहुत संघर्ष वाली बात होती है। तो संघर्ष में अगर हम फोकस करें तो कैसा आपका रहा है अभी तक का रास्ता, सफ़र कैसा रहा है, आपके मेंटोर कौन है? देखिए, सफ़र तो बड़ा कठिन रहा अब तक का और मुझे लगता है शायद आगे भी कठिन ही रहेगा, क्योंकि बॉक्सिंग में फाइनेंसर आसानी से नहीं मिलते जी। जो हमें जैसे चचविंद्र पाल नागर जी फाइनेंसर मिले, उन्होंने यहाँ पे टीन सेट डलवाया, काम किया, ऐसे ही विनेश है कसाना जी ने बहुत काम किया, सादापुर से भी बहुत अच्छे लोग हैं जो निकल कर आए सामने और उन्होंने ये काम कराया। तो सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा संघर्ष था वो बड़ा टफ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ मेडल लाने थे हमें गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की बॉक्सिंग ख़त्म हो चुकी थी।
और इसमें कुछ पैसे वाले बॉक्सिंग कराते हैं गौतम नगर में, जिनकी फीस ही बहुत महंगी है, 3,000, 4,000, 5,000, तो गरीब बच्चा वो नहीं दे सकता जी। तो यही सोच के इस अकेडमी में हमने चालू करवाया कि भाई एक अच्छे लेवल से यहाँ से बच्चे निकले। बिल्कुल, और फ्री क्लासेस आप ये दे रहे हैं, ये बहुत ही एक तो सराहनीय कदम है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि जब आप किसी से आर्थिक मदद नहीं लेते हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो किस तरीके से आप इस एकेडमी का संचालन कर रहे हैं? देखिए, ये जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं वो इन बच्चों की भावनाओं को देखते हुए, हमारी ईमानदारी को देखते हुए कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वही हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। इसमें हमारे जो DM साहब हैं ग्रेटर नोएडा के, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। जब अधिकारी का हाथ हमारे ऊपर आ जाए तो सोच लो गेम ऊपर चला जाएगा। जैसे हमारी अनिता मैडम जी हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं, प्रमोद सर हैं, हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। और देखो, अब फाइनेंशियल आस्ते आस्ते बॉक्सिंग में अपनी रुचि दिखा रहे हैं जी। और हम लोग सुनते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है, मैरी कॉम का नाम सभी ने सुना है, लवलीना का नाम सभी ने सुना है, तो क्या आपको लगता है कि बॉक्सिंग मार्शल आर्ट और कराटे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस बॉक्सिंग की लड़कियों के जीवन में होना चाहिए सीखने के लिए? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे किया है। मैं उन पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई पहले तो ये देखिए कि गेम जो है ओलंपिक में है या नहीं है, वो गेम ही हमें नहीं खिलाना चाहिए जो ओलंपिक में ना हो। और ये दुनिया भर के जो बहुत फालतू के गेम आ गए हैं, इनको नहीं खिलाना चाहिए, आप उन गेमों को खिलाइए जो जेन्युइन है ओलंपिक में। जैसे बॉक्सिंग है, अगर हम अपनी जो पूरी जो बॉक्सिंग सिखाते हैं, अगर ये लड़के सीखें तो मैं कहता हूँ आप रात में भी लड़कियों को निकाल दीजिए, कोई डर नहीं है, क्योंकि हम जो हमारी बॉडी है वो पूरी हीट नहीं निकालती जी। जब हम बॉक्सिंग के जो गुण हैं वो सिखाते हैं तो हम पूरी हीट निकालते हैं। अगर किसी लड़के का एक पंच भी किसी लड़के को ठीक से लग जाए, वो जिमी क्यों ना करता हो, वो उसका 16 या 22 का डोला क्यों ना हो, मैं गारंटी से कहता हूँ उसको नॉकआउट मारने की उस लड़की में क्षमता है। सेल्फ डिफेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। मैं कहूँ फालतू का गेम ना कराए, वो नाड़ बीचना वो आज के दिन नहीं चलता है जी। सब आप बॉक्सिंग कराएं, अपनी गुड़ियाओं को बॉक्सिंग कराएं। मैं तो उन पेरेंट्स से भी कहता हूँ जिनकी लड़कियां बाहर रहती हैं, कम से कम एक एक दो दो महीने की क्लास बॉक्सिंग की करा दें तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, हथियार रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस बॉक्सिंग ही सब कुछ है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और किस तरीके से आप जब बॉक्सिंग सिखाते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है आपके लिए, किस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी होता है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है कि सबसे पहले तो बच्चों को इंजरी ना हो जी। अगर बच्चों को इंजरी होगी तो मान लिया एक शोल्डर्स में इंजरी आने का मतलब है बच्चे का जीवन ख़राब हो जाना। हम सबसे ज़्यादा उन पर फोकस करते हैं कि भाई बच्चों को इंजरी ना हो। कुछ बच्चों को शुरू से भी इंजरी होती है, बचपन से भी होती है, तो हम उन पेरेंट्स से पूछते हैं क्या इंजरी है या नहीं है, फिर उस पर फोकस करते हैं, उसी तरीके की उसको एक्सरसाइज कराते हैं और उसको आस्ते आस्ते उसी दोबारा उसको शोल्डर्स को मजबूत करते हैं, घुटनों को मजबूत करते हैं, तो ये सब एक एक्सरसाइज का पार्ट है। एक्सरसाइज से ही बच्चे मजबूत होते हैं हमारे। समर्थन किस किस का आपको मिल रहा है अभी तक, यहाँ तक आप आए हैं, लंबा सफर तय करके आ रहे हैं बच्चे आपके पास सीखने के लिए, दूर दूर से भी आ रहे हैं? आप बता रहे थे अभी जब इंटरव्यू के पहले बात कर रहे थे तो काफ़ी लोग दूर से आते हैं, काफ़ी बच्चे आते हैं जो साइकिल से आते हैं, तो क्या आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, दो लड़कियां विजयनगर से साइकिलों पे आती हैं, साइकिल से ही जाती हैं। लड़के बहुत दूर से आते हैं, दनकौर से एक लड़का ट्रेवल रोडवेज में करके आता है, तो उसे रोडवेज वाले भी जान के सब, और उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि अब वो झाल पे ही रोडवेज उस लड़के के लिए रोक देते हैं। समर्थन तो यह है कि आप कहीं भी चले जाइए, GSB का जो भी बच्चा मिलेगा उसको सबसे बड़ी बात है समर्थन मिलता है, पब्लिक का मान सम्मान मिलता है, और समर्थन तो अब सब जगह से ही मिलना चालू हो गया है। तो किस तरीके से आप बच्चों के लिए सामान का अरेंजमेंट करते हैं, ग्लव्स हैं या शूज़ हैं, किस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है, क्योंकि आप कोई फीस भी नहीं लेते हैं? ये बहुत, मैं आपको बता दूं कि मैं उन फाइनेंस कंपनियों के पास भी गया हूं जो फाइनेंस नहीं करती और बड़े बड़े वादे भी करती हैं CR फंड होने के बाद भी, मगर हमारे विनेश जी हैं, हमारे चाचा जी हैं, जो हमारी कमेटी है वो हमें सपोर्ट करती है इन चीज़ों के लिए और हमेशा हमारा हौसला बढ़ाती रहती है कि आप कराइए, हम आपके पीछे हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से आप इनकम कर सकते हैं और फिर यहाँ लगाते हैं आप उसको? अब आपने ऐसी बात पूछ ली है तो ये मुझे शर्म आएगी बात बताते, पर मैं ये बताऊँगा क्योंकि ये मान सम्मान की बात है मेरे लिए। जो मेरा खुद का मकान है जी, वो मैंने बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है और उसकी 2 MI अभी फॉल्ट हो गई हैं जल्दी में, तो जब किसी से मुझे सपोर्ट नहीं मिली थी तो मैंने अपना घर भी गिरवी रख दिया था,
और मैं आपको ये बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में आसानी से कोई सपोर्ट भी नहीं करता, जो मन की बात अब निकल के आ रही है। पॉलिटिशियंस कई बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या आप उनके पास गए सपोर्ट के लिए? गए हूँ, सबको लेटर भी दिए मगर कोई सपोर्ट नहीं मिलती उनसे। तो आपके बच्चों को कैसे आप आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे नेशनल लेवल तक जा रहे हैं? देखिए, इसमें फेडरेशन का बहुत बड़ा योगदान है। हम फेडरेशन को नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी फेडरेशन में पैसे नहीं लेते खिलाड़ी से, उनको देते हैं। तो हमारा काम है बस यहाँ जमीनी स्तर पर बच्चों को तैयार करना, डिस्ट्रिक्ट मंडल लेवल पर खिलाना और सीधा स्टेट में ले जाना। अगर ये स्टेट में मेडल मारते हैं तो फिर इनको खुद कैंप मिलता है, खुद जूते लत्ते सब कुछ मिलता है। तो वो फिर फेडरेशन का काम होता है, हमारा काम नहीं होता वहाँ से ऊपर ले जाने का इनको। तो क्या आप किसी तरीके का इनका एग्ज़ाम भी कराते हैं या फिर कोई ऐसा इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं? नहीं, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं करते हैं, मगर हम शिक्षा के लिए जरूर बोलते हैं कि भाई आप पढ़ाई ना छोड़ें, बॉक्सिंग भी करें और पढ़ाई भी करें। बिल्कुल। और जो लोग अब बॉक्सिंग में आना चाहते हैं या फिर जो लड़कियों का या लड़कों का इंटरेस्ट है इसमें, अलग अलग शहर में अलग अलग राज्यों में बच्चे रह रहे हैं, तो उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे या फिर क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने यहीं एक हॉस्टल बनाऊँ, जैसे कुछ बच्चियाँ भी किराए पर रहती हैं जिनका किराया रहना खाना हम ही देते हैं सब कुछ। तो जो भी हमारे एकेडमी को डोनेशन देना चाहता है, मैं उनसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि आप हमारे एनजीओ में डोनेशन दें, यहाँ पे एक भव्य हॉस्टल बनाएं। और मैंने कुछ धर्म स्थलों पे भी देखा है कि भाई अपने पूर्वजों के नाम से वो वहाँ पे धर्मशाला बना देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप यहाँ धर्मशाला बनाइए, यहाँ पे एक नेम प्लेट लगाइए, हॉस्टल बनाइए बढ़िया सी, जिसमें गरीब बच्चे रह सकें, खा सकें और एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। मेरी सोच ये है कि यहाँ पर एक भव्य हॉस्टल बने, क्योंकि दूर दराज से बच्चे यहाँ रह रहे हैं आसपास के जो है। बिल्कुल, ज़्यादातर हम देखते हैं कि हरियाणा का बॉक्सिंग में ज़्यादा नाम है, हरियाणा के लड़के हो या लड़कियाँ हो वो बॉक्सिंग में ज़्यादा आगे रहते हैं। तो अपने मतलब कैसे ये सोचा गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि यूपी का इतना ज़्यादा नाम नहीं होता है बॉक्सिंग में? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी यूपी का भी नाम होने लगा है। तो इसमें जैसे अभी हमारे नेशनल चेन्नई में हुआ था, वहाँ बहुत कम अंतरों से हम बीट हो गए। तो ऐसी अब हमारी जो बॉक्सिंग है उत्तर प्रदेश की, वो काफ़ी निखर के आ रही है। हमारे यूथ में दो वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्पेन बच्चे खेलने गए थे दोनों, तो यूपी की बॉक्सिंग निकल के आ रही है। ऐसी बात नहीं, हरियाणा एक छोटे सा राज्य है, वहाँ बॉक्सिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ के अधिकारी बहुत सपोर्ट करते हैं, वहाँ के जिला पंचायत हो, प्रधान हो, वो सब बॉक्सिंग को सपोर्ट करते हैं, मगर हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं करता। जिस दिन ये गेम सपोर्ट होने लगा उस दिन हम हरियाणा से आगे होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए बच्चों से मुलाकात करते हैं, क्या बच्चों का कहना है उनसे भी जानते हैं। तो चलिए अब इस एकेडमी के बच्चों से मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आपका नाम क्या है? युवराज। आप सबसे छोटे यहाँ पर लग रहे हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? फोर्थ। कैसा लग रहा है यहाँ पे, किस तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं आप? बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हैं। कितना टाइम हुआ है आपको? 2 महीने। कैसा लग रहा है? अब क्या प्लान है आपका? बॉक्सिंग सीखना। बॉक्सिंग सीखना है। चलिए और भी हम बात करते हैं, लड़कियां यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, लड़कियों की संख्या मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। आप बताइए किस क्लास में हैं आप? मेरी ग्रेजुएशन क्लियर हुई है इसी साल। अरे वाह, तो बॉक्सिंग में कैसे आया इंटरेस्ट? इंटरेस्ट मेरे पापा लेकर आए थे मेरे को यहाँ पर। अच्छा। फ्री एकेडमी चलाते हैं भैया गर्ल्स एंड बॉयज़ की, यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे कि हमें फ्री डाइट प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे अपर हैं, ये सब कोई भी फाइन मतलब इकोनॉमिकली कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भैया हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे रिस्पांस यहाँ पर मिल रहे हैं। आप बताइए किस क्लास में आप? 10th। 10th में है, कैसे आए बॉक्सिंग में, कैसे यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या प्लान है? प्लान हाँ, मतलब पढ़ाई के साथ साथ बॉक्सिंग में कैसे इंटरेस्ट आया, क्या बॉक्सिंग में आगे बढ़ना है, गेम खेलना है, नेशनल लेवल पे? स्टेट में गोल्ड है और नेक्स्ट सिलेक्शन हो गया। अच्छा, नेशनल में हो गया आपका सिलेक्शन, ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल, आप आइए, आपका क्या नाम है? दिल नाम है जी मेरा। क्या चल रहा है अब बॉक्सिंग के साथ साथ में? पढ़ाई चल रही है जी। किस क्लास में है? 11th में आया हूँ। 11th में, क्या सब्जेक्ट है? आर्ट्स लिए मैंने। तो क्या करना चाहते हो आप? बॉक्सिंग में करियर बनाना है। चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पे जितने लोग मुझे दिख रहे हैं वो सभी बॉक्सिंग में बहुत आगे जाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट मिलता है यहाँ पे लोगों को, इन बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट मिलता है। आप बताइए किस क्लास में आप? 11th में है। क्या सब्जेक्ट है आपका? कॉमर्स। कॉमर्स है, बॉक्सिंग में ही रहना है। कैसे इंटरेस्ट है इसमें? पापा लेकर आए थे। पापा लेकर आए थे,
देखने वाली बात यही होगी कि सपोर्ट कैसे इनको मिलता है, किस तरीके से इनके एकेडमी को सपोर्ट मिलता है। तो अब हमारे साथ है पूरे गौतम बुद्ध नगर की बॉक्सिंग को देखने वाले प्रवेश कुमार जी, जो सचिव हैं इसके। प्रवेश जी, आपसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बॉक्सिंग करते हैं इस दौरान, मान लीजिए किसी का पंच अगर लग जाता है फेस पे, या फिर किसी का हाथ बंद हो जाता है, या कोई इंजरी आ जाती है, तो उससे कैसे ऑन द स्पॉट रिकवर किया जा सकता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है? असल क्या होता है कि जब हम बॉक्सिंग कराते हैं, कोई भी बड़ी स्टेट चैंपियनशिप हो या नेशनल हो, तो हमारे साथ जो हमारे फिजियोथेरेपी होते हैं, हाँ जी, अगर किसी भी बच्चे को हमें लगता है कि इंजरी आ गई है, तो तुरंत जो हमारे फिजियोथेरेपी हैं वो उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आने देते। बिल्कुल। और किस तरीके से आप ये जो बच्चे हैं इनको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, क्या इनके पड़ाव हैं, कैसे आप टीम को भेजते हैं? दरअसल मैं बता दूं, जो हमारे पास लगभग 40 से 50 बच्चे प्रैक्टिस के लिए फिलहाल आ रहे हैं, तो पहले ऐसा होता था कि कहीं भी कोई चैंपियनशिप होती थी तो गौतम बुद्ध नगर की टीम जो थी पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में बॉक्सिंग का कोई जानता ही नहीं था, बॉक्सिंग का कोई क्रेज ही नहीं था। फिर प्रमोद भाई हैं, उन्होंने देखा कि भाई इधर को है माहौल नहीं है बॉक्सिंग का, उन्होंने बॉक्सिंग को खींच कर लाए गौतम बुद्ध नगर के अंदर, इधर रिंग लगाया। और एक हमारे विजेंद्र पाल नागर जी हैं, उन्हें चाचा जी बोलते हैं अक्सर सब लोग, वो बादलपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने इस एकेडमी को काफ़ी सपोर्ट किया है, उन्होंने तन मन धन हर तरीके से बॉक्सिंग के एकेडमी को सपोर्ट किया है। तो अक्सर ऐसा होता था कि गौतम बुद्ध नगर में बॉक्सिंग का कहीं भी नाम नहीं था, अभी कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि जहां भी गौतम बुद्ध नगर की टीम पार्टिसिपेट करती है तो लगभग पार्टिसिपेट जो करते हैं 13 बच्चे होते हैं, उनमें से कम 7-8 बच्चों का 100% मेडल होता है। और अभी आगरा में एक राज्य स्तर की चैंपियनशिप हुई थी बॉक्सिंग की, जिसमें कि हमारे 7 बच्चों के मेडल थे, हमारा गौतम बुद्ध नगर जो है रनर बना था। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बॉक्सिंग के इतिहास में पहली बार बॉक्सिंग में हमारा जो गौतम बुद्ध नगर रनर बना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवेश हमारे साथ आने के लिए और बात करने के लिए।